स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिन स्ट्रीट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सोलाना की हिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल फिन स्ट्रीट के साथ, और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हो, इन्फॉर्मेटिव लगती हो, तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो सोलाना एक हाईली फंक्शनल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को परमिशनलेस नेचर प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डीफाई सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। तो ये जो आइडिया है और ये जो इनिशियल वर्क है इस प्रोजेक्ट का, ये 2017 में स्टार्ट हुआ था और सोलाना जो है इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया था मार्च 2020 में सोलाना फाउंडेशन के द्वारा विद हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सोलाना प्रोटोकॉल को डिजाइन किया गया था ताकि ये फैसिलिटेट कर सके डिसेंट्रलाइज्ड ऐप क्रिएशन को, यानी कि डैप क्रिएशन को। इसके साथ ही इसका एम है कि स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव कर सके, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री यानी POH कंसेंसस को इंट्रोड्यूस करके और कंबाइन करके विद अनड्राइविंग प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस के साथ ब्लॉकचेन के अंदर। अब क्योंकि ये हाइब्रिड कंसेंसस मॉडल है तो जो सोलाना है ये स्मॉल टाइम ट्रेडर्स को इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही इसका जो सिग्निफिकेंट फोकस है सोलाना फाउंडेशन के लिए वो ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को एसेसिबल कर सके लार्ज स्केल्स की तरफ भी। अब बात करें इसके फाउंडर्स की तो एनाटोली याकोवेंको जो है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है जो सोलाना के पीछे जिसका हाथ है। इसका जो प्रोफेशनल करियर है ये स्टार्ट हुआ था क्वालकॉम में, जहाँ पे इसने क्विकली मूव कर लिया था ऊपर के रैंक की तरफ एंड सीनियर स्टाफ इंजीनियर मैनेजर ये बन चुका था 2015 तक। एंड उसके बाद इसका जो प्रोफेशनल पाथ है वो शिफ्ट हुआ एंड याकोवेंको ने एंटर किया एक न्यू पोजीशन पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट ड्रॉपबॉक्स। तो 2017 में याकोवेंको ने अपना जो प्रोजेक्ट में अपना जो काम है वो शुरू किया था, जो कि बाद में मटेरियलाइज किया गया एज अ सोलाना, जिसको हम सोलाना यानी सोल के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसने टीम अप किया अपने क्वालकॉम कलीग ग्रेग फिट्जगेराल्ड के साथ एंड उन्होंने मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाया जिसका नाम रखा गया सोलाना लैब्स। इसके साथ ही इन्होंने और बहुत सारे अपने फॉर्मर क्वालकॉम के कलीग्स को भी अट्रैक्ट किया, इस प्रोसेस में इंक्लूड किया। अब सोलाना प्रोटोकॉल एंड सोल टोकन जो है इसको रिलीज किया गया पब्लिक में 2020 में। एंड बहुत ज्यादा एक जो एसेंशियल इनोवेशन है सोलाना का वो ये है कि ये एक टेबल जो है ये प्रूफ ऑफ हिस्ट्री यानी POH कंसेंसस का वो लेके आया जो डेवलप किया एंटोली याकोवेंको ने। एंड ये जो कंसेप्ट है ये अलाउ करता है ग्रेटर स्केलेबिलिटी को इस प्रोटोकॉल के अंदर। तो इसके साथ ही इसने एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के साथ कॉम्बिनेशन किया, यानी कि क्रिएटर के साथ कॉम्बिनेशन किया एंटोली याकोवेंको एंड ग्रेग फिट्जगेराल्ड ने, जो कि इस प्रोजेक्ट को लेके आए। एंड इसके बाद ही जो ये सोलाना है कॉइन मार्केट कैप में इन्होंने रैंक 7 हासिल किया सितंबर 2021 में। तो इस तरह से जो सोलाना है इसकी फाउंडेशन हुई और इस तरह से सोलाना जो है ये मार्केट में लाया गया। उसके बाद सोलाना के बारे में हर कोई जानता है। अगर आप इससे रिलेटेड और ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि सोलाना को कहां से बाय कर सकते हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, तो बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में। एंड आई होप आपको ये सोलाना की हिस्ट्री जरूर अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद है जो आपके माइंड में चल रहा हो और आपको लगता हो कि हम उसके ऊपर वीडियो नहीं लेके आए हैं, तो श्योर अपने जो व्यूज हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें, मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट अपडेट।